पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान संसद में दी है। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान से कल भारत लौटेंगे पायलट अभिनंदन, और इस बात की घोषणा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने की है। इमरान खान ने अपनी संसद में बोलते हुए बयान दिया है कि कल अभिनंदन को रिहा किया जाएगा। वाघा बॉर्डर के रास्ते अभिनंदन अपने वतन लौटेंगे। भारतीय पायलट को छोड़ने की घोषणा खुद प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने की है। वतन लौटेंगे कल अभिनंदन, और वाघा बॉर्डर के रास्ते उनको वतन वापस लाया जाएगा। इमरान खान की तरफ से संसद में, जो पाकिस्तान की संसद है, उसमें यह बयान दिया गया है कि अभिनंदन को कल रिहा कर दिया जाएगा और वाघा बॉर्डर के रास्ते अभिनंदन को अपने वतन लाया जाएगा। पाकिस्तान की संसद में इमरान का ऐलान, और इस तरह से पाकिस्तान किस कदर दबाव में है, किस कदर डर गया है, ये इस बात से पता चलता है कि पहले जहां शर्तें पाकिस्तान लगा रहा था, अब बिना किसी शर्त के, जब भारत ने कड़ा रुख तैयार किया कि कोई भी शर्त, कोई भी सौदेबाजी नहीं होगी, उसके आगे झुकता हुआ पाकिस्तान नजर आया, और अभिनंदन को अब कल रिहा किया जाएगा। ये पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान। हमारे साथ लगातार हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी जुड़े हैं। मनीष जी, पहले सौदेबाजी, और अब उस सौदेबाजी, जब पाकिस्तान, जब भारत ने साफ कर दिया, कड़ा रुख जाहिर कर दिया, कोई सौदेबाजी नहीं, तुरंत रिहा करे, यानी साफ है कि पाकिस्तान जहां गिड़गड़ा रहा था, अब उसका डर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यतिन, इसके पहले कि हम इस बात को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले तो अभिनंदन की, वतन वापसी पर जो अभिनंदन है वो अपने आप में सराहनीय, और एक वीर का अभिनंदन होना, ये मेरे ख्याल से सारा मुल्क नजरें गड़ाए देख रहा था। और दूसरी ओर अभिनंदन सरकार का, अभिनंदन उन एजेंसीज का जो लगातार पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए दबाव बनाकर अपनी कूटनीतिक जीत के तहत इसको सुनिश्चित किया कि अभिनंदन की वतन वापसी हो। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर पाकिस्तान को यह करना क्यों जरूरी हो गया था। दबाव इतना ज्यादा था, अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, उसके बाद पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया था और पाकिस्तान को कुछ सूझ नहीं रहा था, तो वहां के वजीर आजम, वहां के इजलास में उनको ये बोलना मजबूरी हो गया कि भाई अब ये करना है, क्योंकि वहां की हुकूमत को उनको साथ लेकर चलना जरूरी हो गया और मजबूरी भी उनके लिए हो गया। हमारे साथ बीएन झा साहब भी। हाँ जी, बीएन झा साहब, आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैं बहुत कुछ कहना चाहता था। जी, आपसे पहले एंकर थी निधि जी, मैं निधि जी से बहुत नाराज हूँ, क्योंकि उन्होंने जब खबर सुनाई थी तो वो खबर थी उनके रिहा होने की, और वो लगभग 15 मिनट पहले थी, और मैं पिछले 15 मिनट से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। चलिए, मैं कुछ देर और रोकूंगा झा साहब आपको। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी संसद में क्या कहा, पहले वो आपको सुनाते हैं, और फिर मैं बीएन झा साहब के साथ लौटूंगा कि वो आखिर जो काफी देर से चाह रहे हैं कि वो कुछ कहें, वो भी हम आपको सुनाएंगे। जी, हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्चर हम उनको, उसको कल रिहा करने लगे हैं। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उनको, उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान के वापस। तो ये पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान थे जिन्होंने बड़ा बयान दिया है कि कल अभिनंदन को वो रिहा करेंगे और कल वाघा बॉर्डर के रास्ते अभिनंदन अपने वतन वापस आएंगे। सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, जो सेना की जो संयुक्त कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तीनों सेनाओं की तरफ से, कितनी देर में शुरू होगी और कौन कौन उसमें शामिल होंगे, कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, इस बात की कोई जानकारी? देखिए, जहां तक इमरान खान के बयान की बात है तो इमरान खान पूरी तौर पर दबाव में है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लगातार दबाव कमांडर को, आखिरकार उन्होंने उनकी बातों को देखें तो उन्होंने कहा कि 30 गेस्टर के तहत विंग कमांडर को वे कल रिहा करेंगे, लेकिन इस तरह से आतंकवाद की बात है, आतंकवाद के मसले पर वो बोलने के लिए कतई तैयार नहीं है। भारत चाहता है कि आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो, जिस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बात कुछ और करते हैं, करते कुछ और हैं। तो यहां तक जो तीनों जो सेना के अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो शुरू हो चुकी है, इसमें एयर वाइस मार्शल जो सूत्र बता रहे हैं कि रवि कपूर, मेजर जनरल एसएस महल जो है ये प्रेस को संबोधित कर रहे हैं, और इसमें जो प्रमुख बातें हैं कि आखिरकार क्या रणनीति रहने वाली है और जो कुछ सीमा पर हो रहा है
उसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल, हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह बता रहे हैं कि सेना की संयुक्त कॉन्फ्रेंस सबसे कुछ देर में होगी और जो उच्च अधिकारी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो रणनीति है और किस तरह से बॉर्डर पर हालात हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। हालांकि बड़ी खबर यही है कि इमरान खान ने बयान दिया है अपनी पाकिस्तानी संसद में कि कल भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा किया जाएगा। यथेद एक और संयोग है, अगर आप हम दर्शकों को बताना चाहें, वो संयोग ये है कि अभिनंदन का जो परिवार है, इनके पिता वायुसेना में एयर मार्शल रहे, इनकी पत्नी खुद हेलीकॉप्टर की पायलट है, तो ये पायलट का वो परिवार है जो जांबाज तरीके से ये जानता है कि दुश्मनों के दांत कैसे। ठीक है, एयर स्ट्राइक के तीसरे दिन भारत पाकिस्तान के बीच आज क्या क्या हुआ है उसे हम आपको दिखाते हैं। अब से थोड़ी देर के बाद तीनों सेनाओं के जो उच्चाधिकारी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक का अपडेट जान लीजिए। पाकिस्तान ने कहा है कि युद्ध की नहीं शांति की बात हो, बदले में भारत ने कहा कि आतंकवाद और शांति की बात साथ साथ नहीं हो सकती। पाकिस्तान ने कहा है कि भारतीय पायलट को लौटाने पर सहमत, कल रिहा किया जाएगा। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान संसद के संयुक्त सत्र में प्रधानमंत्री इमरान खान ने ऐसा कहा है। बदले में भारत ने कहा है कि हमारे पायलट को कुछ नहीं होना चाहिए वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। पाकिस्तान का दावा है कि पायलट के साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, बिना शर्त रिहाई की जाएगी। भारत ने फिर से कहा है कि पायलट बिना शर्त जल्द से जल्द रिहा हो, नहीं तो परिणाम गंभीर होंगे। पाकिस्तान ने कहा है कि सबूत मिला तो आतंकी संगठन पर एक्शन होगा। भारत ने कहा है कि सबूत पहले ही दिया जा चुका है, पाकिस्तान बात बनाने के बदले एक्शन दिखाए। पाकिस्तान ने माना है कि उसे डोजियर मिला है, वो एक्शन लेगा। तो पहले वाला प्रैक्टिस था, ये रियल था। आज नेशनल साइंस डे पर आप सभी के बीच आने का अवसर मिला है। आप सभी भलीभांति जानते हैं कि ये दिन महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन के रमन इफेक्ट के आविष्कार की याद में मनाया जाता है। इसी उपलब्धि ने देश को विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल दिलाया था। मैं डॉक्टर रमन को श्रद्धांजलि देने के साथ ही विज्ञान दिवस पर आपको और पूरे वैज्ञानिक जगत को, विज्ञान के प्रत्येक विद्यार्थी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरी कामना है कि आप सभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े अपने प्रयासों में सफल हो और इसका लाभ देश की जनता को मिल सके। आज शांति स्वरूप पटनागर पुरस्कार पाने वाले विजेताओं और उनके परिवारों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपकी उपलब्धियों पर हमें गर्व है, हिंदुस्तान को गर्व है। मैंने परिवारजनों को भी विशेष बधाई इसलिए दी क्योंकि वैज्ञानिक लेबोरेटरी में जिंदगी खपाता है और इसलिए सबसे ज्यादा त्याग तपस्या परिवारजनों की होती है। आपके प्रयासों से, आपके कार्यों से देश और समाज को लाभ मिला है और ये कार्य ऐसे होते हैं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ मिलता रहता है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान नए भारत का रास्ता बने, इसके लिए इस प्रकार के पुरस्कारों और नेशनल साइंस डे जैसे आयोजनों की भूमिका बहुत अहम है। साथ ही इस वर्ष की थीम बहुत ही प्रासंगिक है। मैं खुद भी विज्ञान को लोगों की जरूरतों से जोड़ने के विचार का आग्रही रहता हूं। हमारी सरकार अपने तमाम कार्यक्रमों और योजनाओं के जरिए भी इस दिशा में कुछ न कुछ प्रयास कर रही है। साथियों, हमारे पास डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डिमांड, इसका डिविडेंड है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन चुका है। हमारे युवाओं की महत्वाकांक्षाएं
सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर उनकी ललक हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे में हमें साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को जनता से जोड़कर उन्हें समाज की आकांक्षाओं और जरूरत के अनुरूप बनाना होगा। इस साल जालंधर में इंडियन साइंस कांग्रेस के दौरान मैंने कहा था कि भारत की असली ताकत भी यही है कि हां विज्ञान को समाज की जरूरत से जोड़ा जा रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी, हमारा एक एक वैज्ञानिक, परमाणु ऊर्जा, स्पेस साइंस और रक्षा से जुड़े अपने कौशल को लगातार उन्नत करते जाएंगे। साथियों, हमारे देश के लोगों को अब बेस से कम कुछ नहीं चाहिए, हमारा स्टैंडर्ड काफी ऊपर चला गया है। अगर हमारी संस्थाओं की सोच पुरानी होगी तो हम आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। साइंस से जुड़े हमारे इंस्टीट्यूट्स को भी भविष्य की आवश्यकताओं के हिसाब से खुद को घड़ना होगा। हमें अपनी मौलिक शक्ति को बनाए रखते हुए भविष्य के समाज और इकोनॉमी के हिसाब से ढलना होगा। मैंने अपने प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर से इस बारे में एक समग्र योजना बनाकर आगे बढ़ने के लिए आग्रह किया है। इसमें आप सभी की साझेदारी भी बहुत जरूरी है। साथियों, जब इच्छा शक्ति हो तो सीमित संसाधनों में भी कैसे अद्भुत परिणाम दिए जा सकते हैं, इसका उदाहरण हमारा स्पेस प्रोग्राम है। हमारा मून मिशन हो, मार्स मिशन हो, या फिर सैटेलाइट लॉन्चिंग के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां, दुनिया को आप जैसे हमारे अनेक वैज्ञानिकों के कौशल ने ही चकित किया है। अपने पहले ही प्रयास में हमने मंगल ग्रह के ऑर्बिट में अपना मंगलयान सफलतापूर्वक भेज दिया था। ऐसे करने वाले हम पहले एशियाई देश थे। अभी तक जो हमने हासिल किया है उससे मुझे पूरा विश्वास है कि वर्ष 2022 तक देश का अपना गगनयान सफलतापूर्वक देश के अपने बेटे बेटियों को अंतरिक्ष में ले जाएगा और वहां तिरंगा फहराएगा। साथियों, हमारे साइंटिस्ट ने, आप सभी ने हमेशा मानवता की भलाई के लिए हमेशा अपना योगदान दिया है। जिन क्षेत्रों में आपने बेहतर काम किया है और जो देश के सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसमें से एक है हमारा फार्मा सेक्टर भी। फार्मा के मामले में भारत आज दुनिया का छठा सबसे बड़ा मार्केट है और दुनिया का तीसरा सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है। आज भारतीय दवाएं 200 से ज्यादा देशों में निर्यात की जा रही है। साथियों, हमारे फार्मा सेक्टर के विकास की जा रही है। साथियों, हमारे फार्मा सेक्टर के विकास के पीछे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब। भूपेंद्र यादव कितना पावरफुल है। ये थे प्रधानमंत्री मोदी जो विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।